हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी बजे बस सुबह के 6:30 है, तो मैंने आज बहुत जल्दी उठ गई थी। मैं कल रात 10 बजे सो गई थी और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो भी कर लेता हूँ काम करने के साथ साथ, क्यों मैं दोबारा नहीं सोऊंगा अभी, वरना 8 बज जाते उठते उठते, लेकिन आज जल्दी हो गए। तो मैंने सोचा जो मैं मॉर्निंग में जो काम करती छोटी मोटी, तो मैं आप लोग के साथ भी वो काम शेयर कर लूँ। और सबसे पहले तो अभी मैं जाऊंगी थोड़ा सा फ्रेश हो जाने के लिए, मुंह धोने के लिए, ब्रश करने के लिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा जो करती हूँ मैं मॉर्निंग में, वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आई जस्ट होप आप सब लोग बहुत सेफ होंगे, घर पे रहो, सेफ रहो, अपनी फैमिली को भी सेफ रखो। तो और ब्लॉग देखो, चलो। सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दैट आई ऑलवेज लव टू डू इज वाटरिंग माई प्लांट्स। सो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे पौधे तो है नहीं, लेकिन कुछ पौधे हैं जिसे मैं सुबह सुबह पानी दे सकूँ। एंड इट टेक्स मी अराउंड लाइक 30 मिनट्स टू वाटर ऑल ऑफ देम एंड ट्रिमिंग देयर लीव्स एंड ऑल। एंड ये वाली है पीस लिली, मैंने इसको रूम के एक कॉर्नर पर रखा है। एंड दिस प्लांट रियली लव्स वाटर, आई वाटर इट एवरी डे एंड समटाइम्स लाइक ट्वाइस अ डे। ऐसे ही सारे के सारे प्लांट्स को मैं पानी देती हूँ, इनडोर वाले एंड आउटडोर वाले सब प्लांट्स को। When you feel it's hopeless, when you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust, oh, here we go, 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 let us... ये वाले है बोस्टन फर्न एंड ये एयर प्यूरिफायर भी है। This is very easy to grow, you know, it doesn't need so much of care. You just need to water it every day and that's it. ये बहुत bushy है and very easy to propagate. इसके बहुत सारे बेबीज निकलते रहते हैं साइड से एंड इट लुक्स वेरी नाइस। ये बालकनी जाने के ऊपर के सीढ़ी का रास्ते है, तो मैंने यहाँ पे कुछ प्लांट्स लगा दिए हैं, तो मैं उसको वाटर करती हूँ सुबह सुबह उठ के। तो मैं आप लोग को बालकनी में जाती हूँ अभी। बहुत सारे काम रहते हैं सुबह उठने के बाद, ये करो वो करो। आज जल्दी उठ गई इसलिए मेरे पास बहुत टाइम है अभी, अदरवाइज़ मुझे टाइम मिलता नहीं। बस मैं पानी देती हूँ रोज़ उठ के, चाय बनाती हूँ, पीती हूँ, फिर मैं धीरे धीरे घर के काम करने लग जाती हूँ। जब तक मासी आ जाती है ब्रेकफास्ट और डिनर बनाने के लिए, मासी रखी हुई आ जाती है, तब तक मैं और भी कुछ काम कर लेती हूँ। इसमें मैंने 3 पौधे हैं यहाँ पे, ये वाला है स्पाइडर प्लांट एंड मनी प्लांट को देख के, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इस साइड में थोड़ा सा पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो कि मैं देखती हूँ और मेरा काका जी है वो देखते हैं, हम मिल के देखते हैं इसको, थोड़ा सा केयर करते हैं, जो टाइम मिला उसी को हम पानी देते हैं। और यहाँ पे हमने बहुत कुछ लगाया था जो कि इस बार बहुत कुछ पौधे नहीं हुए और बहुत कुछ हुए भी है। यहाँ पे आने के बाद सुबह मुझे बहुत अच्छा लगता है, रोज़ सुबह मैं यहाँ पे आके पानी लगाती हूँ, पौधे को देखती हूँ, नए नए प्लांट्स ऐड करती हूँ। लेकिन अभी सब विंटर चला गया, तो विंटर का फ्लावर्स जितना भी था वो सीजनल वो सब ख़त्म हो गया, तो अभी बस लगा रही। लेकिन अभी मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि जो कि हर सीजन रहने वाले फ्लावर्स है उसे ढूँढ लूँ। को मैं इंडोर करने वाली हूँ, एक था अंदर घर के लेकिन वो मर गया, अब पता नहीं उसको क्या हो गया, वो रॉट हो गया था, उसको पानी ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ हो गया था, तो इसको मैं अब इंडोर कर। अभी सीज़न नहीं है लेकिन एशियाटिक लिली का अभी फूलने का टाइम आ रहा है, देखो इसका बल्ब्स आए हुए हैं यहाँ पर आए हुए। लास्ट ईयर नहीं हुआ था ब्लूम लेकिन इस बार ही आ गया, लेकिन ये यूजली विंटर में होता है, लेकिन इस बार अभी आ रहा है, अच्छी क्या होता है।
देखना हो गया है, तो अब जाते मैं उनको उठाती हूँ रूम के अंदर जाके। अबे हाय, लाइक ऑफ करो इस दिन के टाइम। गुड मॉर्निंग। सो मैंने बना के लेके आया हूँ यहाँ पे सुबह वाली ब्लैक टी। यहाँ देखो ये क्या कर रहा जरा मुझे। सो ये सुबह वाली चाय वाले टाइम हम अपने बेबी के साथ बहुत अच्छे से हम तीन स्पेंड करते हैं, मम्मी पापा बेटी मिलके, फिर उसके बाद काम में लगते हैं। सो गाइस, अब मैं बना रही हूँ सब्जियाँ, काट रही हूँ। आज थे थर्सडे, तो हम थर्सडे वेज खाते हैं, तो वेज में मैं मिक्स वेजिटेबल्स मिला के एक सब्जी बनाऊँगी और दाल बनाऊँगी। तो उसी के लिए सब्जी का मैं छीननी रेडी कर रही हूँ। इसका नाम पता नहीं है मुझे, साग की। वेजिस को मैंने अच्छी तरह से काट चुकी हूँ, धो चुकी हूँ, तो मैंने इस पर दिया है साग और बैंगन, आलू, पोटल, पम्पकिन दिया है। इसको मैं दोपहर में बनाऊँगी आज। सब्जियाँ काटते करते मैंने नानू का ब्रेकफास्ट भी बना लिया है, तो ये रेडी है अभी। सो मैंने कुछ दिनों से नानू को थोड़ा हैवी मील देना शुरू किया है मॉर्निंग में, थोड़ा सा राइस के साथ थोड़ा सा ये वो देना शुरू किया, देसी घी, अंडे एंड एक करी सब्जी दिया है मैंने इसे, क्योंकि दोपहर में ये ठीक से खाना चाहती नहीं और ये हमेशा से फर्जी टरे, कोई भी ठीक ठाक से खाना पसंद नहीं करती, लेकिन दही इसको बहुत पसंद आता है, तो मैं वो देखती हूँ दिन में। और अभी ये अपने हाथों से खाना चाहती है, मेरे हाथ वो सारा के खुद लेके खाना चाहती है, तो मैं इसे छोड़ दिया है। फाइनली हाँ, बहुत सारे काम ख़त्म हो चुके हैं सुबह का। मैंने सबसे मेन बड़ी काम है बेबी को खाना खिलाना, वो मेरा हो गया है। इसने ठीक से खाया नहीं, वो अपने हाथों से खाना चाहता है, तो मैं इसने जितना खाना था वो खा लिया है। और हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, उसका मैं वीडियो करना भूल गई, मैं बिजी थी, पता नहीं कैसे मैं भूल गई। रोटी या सब्जी वो मासी ने बनाई है रात की, वो बनाई दोपहर की। जो सब्जी पकाना है मेरे, वो मैं दोपहर का पका लूँगी, और दिन में कोशिश करती हूँ कि सुबह की तरफ जल्दी खाना पका लूँ, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोलकाता है बहुत गर्मी होता है, तो जितना सुबह हुआ उतना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन आज मैं दोपहर में पकाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो दोपहर के टाइम पका लूँगी आज। तो मैक्सिमम मेरा काम भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, तो व्लॉग भी ख़त्म है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं यही करती हूँ, बस एक्स्ट्रा हो जाता वो खाना पका लेती, और कुछ नहीं करना मुझे। अब बेबी के साथ खेलूँगी, बैठूँगी, फिर मेरा मॉर्निंग ख़त्म हो जाए। दोपहर में बहुत कुछ करना है, बांस देना है बेबी को, दोपहर की बेबी को खाना पकाना है, ऐसे करके दिन चला जाता है। उम्मीद आप लोग अच्छा लगा, आप लोग को सेफ रहिए, घर पे रहिए, मिलते दूसरे वीडियो में, बाय।